रियाज टीवी को बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। बस यही प्यार अब आपका हमारे दूसरे चैनल के लिए भी चाहिए, जहां आप जल्द ही हमारे ओरिजिनल गानों को भी सुन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, लिंक पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। नमस्ते। इस वीडियो का काफी समय से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। हमने काफी अच्छी तरह से आपको गायकी से जुड़े हुए कई पॉइंट से आज तक अवगत कराया है। परिभाषाओं वाले लेसन में आपने सप्तक, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर और बाकी कई चीजों के बारे में जाना है। आपने खरज रियाज से अपने लो रेंज को बढ़ाया। बहुत लोग जो मंद सप्तक में गा या मा तक ही जा पा रहे थे, वो अब मध्य सप्तक के सा से मंद सप्तक के सा तक आसानी से जा पा रहे हैं और अच्छे से गा पा रहे हैं। अलंकार के वीडियो से आपकी मुर्कियां बेहतर हुई हैं, कुछ हमने नए राग भी सीखे हैं और सबसे बढ़िया बात ये रही कि हमने उन लेसन्स को सभी 12 स्केल्स में प्रस्तुत किया। रियाज टीवी सभी स्केल्स प्रोवाइड करने वाला पहला और एकमात्र चैनल रहा है। आज इस लेसन में हम लोग हाई स्केल, हाई रेंज यानी तार सप्तक में सुरों को किस प्रकार से लगाया जाए वो जानेंगे। मैं आज तक आपसे सिर्फ एक ही बात कहती आई हूँ कि हर किसी चीज को सीखने में अपना वक्त दीजिए, धीरज रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को जानना है तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हाई रेंज पर काम करने में कोई मनाही नहीं है, पर ये बात जान लेना बेहद जरूरी है कि हर किसी का रेंज, टोन, स्टाइल ऑफ सिंगिंग, टेक्स्चर सब अलग होता है। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हाई गाने से ही आपको पहचान मिलेगी या हाई गाने में ही कला है। गाते वक्त सिर्फ आपके शब्द जो है वो क्लियर रहने चाहिए, आपकी गायकी में भाव होना चाहिए, सुर सही लगना चाहिए और आपके सुनने वाले को पसंद आना चाहिए। मैंने अपनी गायकी को इस प्रकार से ढाला है जिससे मैं इस वक्त काफी स्केल्स में गा सकती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जान लेनी और भी जरूरी है कि हर किसी का एक रेंज होता है, ना कि फिक्स्ड स्केल। उदाहरण के लिए अगर आप मंद सप्तक में काली 2 से लेकर तार सप्तक की काली 5 तक गा लेते हैं तो ये आपका रेंज हुआ। इसमें बहुत सारी स्केल्स आती है, जैसे ई फ्लैट, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी सी, सी शार्प, डी एंड बहुत सारी स्केल्स। तो इसमें से जो मिडिल रेंज में पड़ती है वो आपके लिए सबसे आसान होती है गाने में। इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेस दी जा रही हैं उससे आपको काफी मदद मिलेगी। बस मन लगाकर रियाज करिए, आपको बहुत जल्द पता लगेगा कि जिस स्वर तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे अब वो आप गा पा रहे हैं। तो चलिए लेसन शुरू करने से पहले आपका रेंज चेक कर लेते हैं। पहले मंद सप्तक चेक करते हैं। सी से नीचे जाते हुए इन स्वरों को साथ में गाइए। गा पा रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। अब हम मध्य सप्तक से होते हुए तार सप्तक तक चेक करेंगे, तो इसको भी साथ में गाइए। Thank you.
बिना स्ट्रेस के अच्छे से गा पा रहे हैं लास्ट वाला, उसे लिख लीजिए। ये तो हो गया आपका रेंज। जल्दी से अपने रेंज को कमेंट में लिख दीजिए कुछ इस तरह से। अब जैसे जैसे इस लेसन के साथ रियाज करके आपका रेंज बढ़ने लगे तो अपने सेम कमेंट में एक महीने बाद हमें जरूर बताइएगा। ये भी हो सकता है कि शायद आपका एक नोट ऊपर इंप्रूव हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है 5 या 6 नोट आप ज्यादा ही इंप्रूव कर पाए हो और अच्छे से गा पा रहे हो। इस लेसन में मेल्स को सी और फीमेल्स को ए से शुरुआत करनी है। इस लेसन का आपकी यूजुअल स्केल से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं तो सी शार्प से रियाज करता हूं या मैं जी से रियाज करती हूं तो मैं ये कैसे करूं। एक और बात याद दिला दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर्स दिए हुए हैं जहां से आप मेल या फीमेल स्केल्स चुन सकते हैं। अगर गाते वक्त लेसन आपकी रेंज से बाहर चला जाए तो आप चैप्टर पर फिर से क्लिक करके दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं तार सप्तक यानी हाई रेंज का रियाज। इस लेसन में हम तार सप्तक से आगे भी जाएंगे क्योंकि कुछ लोगों का रेंज उतना ऊंचा भी होता है। तार सप्तक स्वरों पर एक बिंदु होगा, उससे अगले सप्तक में 2 और उसके बाद 3, कुछ इस तरह। जहां तक आप चेस्ट वॉइस से गा सकते हैं गाइए, उसके बाद आप अपनी हेड वॉइस यानी फॉल्सेटो का भी रियाज कर सकते हैं क्योंकि वो भी आजकल की गायकी में काफी इस्तेमाल किया जाता है।